आज धोनी का ये दोस्त बनेगा टीम इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन। जी हाँ दोस्तों, आज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले पहले T20 में रांची के मैदान पर धोनी टीम इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। आपको बताएंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है आज का मैच कौन जीतेगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, भारत के खिलाफ आज रांची में होने वाले पहले T20 मैच से पहले हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली टीम इंडिया को बड़ी धमकी मिली है। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का एक दोस्त ही टीम इंडिया के लिए रांची के मैदान पर पहले T20 मैच में सबसे बड़ा दुश्मन साबित होगा। दोस्तों, जैसे कि वनडे में कीवी टीम को 3-0 से धोने के बाद अब हार्दिक पांड्या अपनी कप्तानी में T20 में भी रोहित जैसा कारनामा दोहराना चाहते हैं। ऐसे में आज टीम इंडिया रांची में भी जीत से शुरुआत करना चाहेगी। हालांकि कीवी टीम को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है और इसका सबूत कीवी टीम के बयान से दिखाई दे रहा है। जी दोस्तों, वनडे में 3-0 से शर्मनाक हार के बाद भी T20 में कीवी टीम का कप्तान बनते ही मिचेल सैंटनर ने टीम इंडिया को धमकी दे डाली है। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टीम इंडिया को धमकी देते हुए कहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी और कोच स्टीफन फ्लेमिंग के साथ बिताया गया समय भारत के खिलाफ T20 सीरीज जीतने में काम आएगा। दोस्तों, सैंटनर ने आगे कहा, मुझे मालूम है भारत में T20 मैच कैसे खेला जाता है। मैंने चेन्नई सुपर किंग्स में धोनी और स्टीफन फ्लेमिंग के साथ काफी समय बिताया है। खासकर फ्लेमिंग ने हमें बताया कि टीम इंडिया को कैसे ट्रीट करना है। दोस्तों, आपको बता दें, धोनी और स्टीफन फ्लेमिंग काफी अच्छे दोस्त हैं। स्टीफन फ्लेमिंग न्यूजीलैंड टीम के कप्तान भी रह चुके हैं और अभी टीम के कोच हैं। वहीं मिचेल सैंटनर ने कहा, महेंद्र सिंह धोनी के घरेलू मैदान पर आकर भी अच्छा लग रहा है और हमने अपनी टीम में धोनी जैसा शांत माहौल बनाए रखा है और आज हम शांत रहकर ही टीम इंडिया को हराएंगे। अब दोस्तों, सैंटनर का ये धमकी कितना सच होता है ये तो आज शाम को ही पता चलेगा।